सभी बॉलीवुड लवर्स के लिए साल 2019 बेहद ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस साल बायोपिक्स के साथ साथ ढेर सारे हिट मूवी सीक्वल्स भी मौजूद हैं। तो चलिए बात करते हैं 2019 की सीक्वल फिल्म्स की। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है टोटल धमाल की थर्ड फ्रेंचाइज यानी टोटल धमाल 3 का, जिसमें नजर आएंगे अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अरशद वासी, जावेद जाफरी और कई सारे बाकी एक्टर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। जी हां, द मच टॉक्ड अबाउट स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में टाइगर श्रॉफ नजर आने वाले हैं टू लीडिंग लेडीज यानी अनन्या पांडे और तारा सुतारिया के साथ, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इसके बाद बारी आती है हेरा फेरी 3 की। अ नंबर ऑफ सीरियस मूवीज के बाद अब फाइनली अक्षय कुमार ने एक कॉमेडी फिल्म करने के लिए हामी भर ही दी है, तो अक्षय कुमार फैंस के लिए ये साल जबरदस्त होने वाला है। जिसके बाद बारी आती है फिल्म हाउसफुल 4 की। जी हाँ, हाउसफुल फ्रेंचाइज का 4th इंस्टॉलमेंट बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ साथ राणा दगुबती, प्रीति सनोन और पूजा हेगड़े भी नजर आने वाले हैं। एबीसीडी 3। रेमो डिसूजा की पॉपुलर फिल्म एबीसीडी का 3rd इंस्टॉलमेंट 2019 में रिलीज होने वाला है, जिसमें इस बार डांस और रोमांस का तड़का लगाने आएंगे वरुण धवन विद कैटरीना कैफ। तो आप तैयार हो जाइए एबीसीडी 3 के लिए। नेक्स्ट सड़क 2। महेश भट्ट कई सालों बाद डायरेक्शन में अपना कदम वापस रखने जा रहे हैं फिल्म सड़क की सीक्वल से। सड़क 2 में नजर आएंगी आलिया भट्ट, पूजा भट्ट, आदित्य रॉय कपूर और संजय दत्त। नेक्स्ट किक 2। सलमान खान अपने सभी फैंस को इस साल तोहफा देने वाले हैं किक 2 से। सुपरहिट फिल्म किक के सीक्वल में अब सलमान खान एक बार फिर डेविलिश अंदाज में नजर आएंगे। हालांकि इस फिल्म की रिलीज डेट का पता नहीं चल पाया है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी और इस फिल्म में सलमान के साथ नजर आएंगी कृति सेनन। नेक्स्ट प्यार का पंचनामा 3। जी हाँ, पॉपुलर फ्रेंचाइज प्यार का पंचनामा अपनी 3rd इंस्टॉलमेंट के साथ तैयार है फैंस को एक बार फिर मजे दिलाने। इन सभी फिल्मों के अलावा बॉलीवुड के 2019 सीक्वल सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है। काफी सारी फिल्म्स जैसे कि औजार 2, लाइफ इन मेट्रो 2, नो एंट्री में एंट्री भी रिलीज होने वाली है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं साल 2019 के लिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।